सिविल अस्पताल ज्वालामुखी में अपनी मांगों को लेकर राज्य स्वास्थ्य समिति के अनुबंध कर्मचारी संघ ब्लॉक ज्वालामुखी के कर्मचारियों ने एक दिवसीय सांकेतिक पैन डाउन हड़ताल की। इस मौके पर अनुबंध कर्मियों ने राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और पोस्टर बनाकर प्रदर्शन भी किया। इस मौके पर स्वास्थ्य अनुबंध कर्मचारी ब्लॉक ज्वालामुखी के प्रधान डॉक्टर अमित ने बताया कि काफी लंबे समय से प्रदेश सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने के लिए संघ आवाज उठा रहा है, लेकिन अभी तक सरकार ने उनकी मांगों को नजरअंदाज किया है। हम यहाँ पे आज NHM के कर्मचारी इकट्ठा हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, जो कि हमारी मांगें हैं कि एक रेगुलर पॉलिसी बनाई जाए हमारी, और उसी के लिए हमने एक आंदोलन छेड़ा हुआ है एक दिन का सांकेतिक आंदोलन, और वो सरकार को भी बताया गया है, सभी को बताया गया है कि एक दिन की सांकेतिक आंदोलन कर रहे हैं पेंडोर। इसमें हम आज कोई भी कार्य नहीं करेंगे, जब जो हमारी मांगे हैं, जब तक हमारी मांगे को पूरा नहीं किया गया तब तक हम ये आंदोलन जारी रखेंगे। मांग है कि एक हमारे लिए रेगुलर पॉलिसी बनाई जाए, और जब तक रेगुलर पॉलिसी नहीं बनती तो एक रेगुलर पे स्केल दिया जाए हमें बाकी कर्मचारियों की तरह।